किछु अनहार भऽ जाइए कतौ नहि कटै छै, सौंसे देखाबै छी हम घुमि घुमि कऽ, अहाँ ने बुझै छी अहाँके हाथ अइ। बालू घाटमे पानि नहि छै, चलू स्टार्ट करू घुमा, फेर पाछमे अहाँ करबै ने ओहिसँ अहाँ तऽ भइए जेतै। हँ, ई क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर का सेक्शन 3 है, फ्रांस एबोलिस्ट मोनार्की एंड बिकेम रिपब्लिक। इसके अंतर्गत बहुत सारी बातों की चर्चा की जानी है, इसी के अंतर्गत है जैसे रिवोल्यूशनरी वॉर जो 1792 में हुआ, इसी के अंतर्गत जेकोबिन क्लब ऐसे पॉलिटिकल क्लब की स्थापना, फिर जेकोबिन क्लब किस तरह पावर में आई, किस तरह उसका जो है सो गवर्नमेंट बना और किस तरह जो है सो उसके रूल को रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। उस रेन जेकोबिन क्लब के गवर्नमेंट के समय में ही फ्रांस में मोनार्की को खत्म कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक बनाया गया। तो ये सारी बातें पढ़ेंगे एक के बाद एक। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि रिवोल्यूशनरी वॉर के बारे में और जेकोबिन क्लब ऐसे क्लब की स्थापना के बारे में। 1791 में जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हो गया तो लुई 16 अपने रिवोल्टिंग जो सब्जेक्ट था, विद्रोही जो प्रजा थी, उसके दबाव में आकर के इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया। उसने मान लिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है जो उसके पावर को जो है सो लिमिट किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। ऐसा ही किया गया, उसके लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी पावर उससे ले लिए गए और गवर्नमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में उसको डिवाइड कर दिया गया। जैसे नेशनल असेंबली को जो है सो लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया, इसी तरह जुडिशियरी पावर कोर्ट्स को दे दिए गए, एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को दे दिए गए। ये सब हो जाने के बाद फ्रांस में स्थिति बड़ी तनावपूर्ण थी उस समय, और इस तनावपूर्ण स्थिति का कारण यह था कि फ्रांस का जो मोनार्क था लुई 16 अपने नेबरिंग स्टेट के साथ मिलकर के एक सीक्रेट नेगोशिएशन किया। फ्रांस के नेबरिंग कंट्री इस बात से बड़े चिंतित थे कि फ्रांस में जो घटनाएं घट रही थी उसका प्रभाव उनके देशों के लोगों पर भी पड़ेगा और उनके देश के लोग भी फ्रांस की तरह रिवोल्यूशन करेंगे और उसी तरह फ्रांस की तरह के चेंजेज लाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए प्रशिया और ऑस्ट्रिया ऐसे फ्रांस के नेबरिंग कंट्रीज लुई 16 के साथ एक गुप्त समझौता किया और इसके अनुसार ये दोनों देश फ्रांस में अपनी सैनिक की टुकड़ी भेजते और वहां आक्रमण करते फ्रांस पर, और फिर से फ्रेंच मोनार्क लुई 16 का पावर को रिस्टोर करते, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है सो सस्पेंड करते।
लेकिन इसकी जानकारी फ्रांस की नेशनल असेंबली को हो गई और 1792 में नेशनल असेंबली ने एक लॉ पास किया और जिसके अनुसार नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और प्रसा के अगेंस्ट वार का डिक्लेरेशन किया, युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध को रिवोल्यूशनरी वार के नाम से जाना जाता है। इन 1791 व्हेन लुई 16 एक्सेप्टेड दैट हिज पावर्स कुड बी लिमिटेड फ्रॉम नाउ ऑन, हिज पावर्स लाइक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी वेयर टेकन अवे फ्रॉम हिम एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। France became a constitutional monarchy, but the situation in France had been tense in the following years. Louis XVI got into a secret negotiation with his neighboring countries like Prussia and Austria. The ruler of these countries were worried about the events going in France. Therefore, they made a plan to send their army troops to France to control the situation. But the National Assembly got this information and declared war against Austria and Prussia. Thousands of volunteers from common people of different areas of France assembled in cities to join army because they thought that this was the war between the European monarchs, nobles and common people. The war fought against Austria and Prussia in 1792 was called the Revolutionary War. The Revolutionary War brought hardship and economic difficulties in the lives of common people of France. When the men were away from their homes, fighting on the war front, the women were left to cope the responsibilities of their families. They had to earn for maintaining their families and look after their families. A large number of people felt that the revolution should be carried further because the constitution of 1791 did not give political rights to the poor section of society. They established political clubs to discuss about the government policies and political activities they were to start. Women too established their clubs. The most popular of these clubs was the Jacobin Club.